आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे शांत, खुशहाल और विकसित देशों में से एक माने जाने वाले न्यूजीलैंड देश के बारे में। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को जरूर पूरा देखें। न्यूजीलैंड एक डेवलप्ड नेशन है जिसका मेन वजह यहाँ की पॉपुलेशन है जो कि सिर्फ 50 लाख है। न्यूजीलैंड एक बहुत ही खूबसूरत देश है। कुदरती खूबसूरती की बात करें तो यहाँ आपको बर्फ से ढके ग्लेशियर्स, हरे भरे पहाड़, खूबसूरत तालाब, मैदानी इलाके, झील और समुद्र का किनारा आपको देखने को मिल जाएंगे। न्यूजीलैंड दुनिया का पहला ऐसा देश था जिसने महिलाओं को वोटिंग का अधिकार दिया था। ये उन्होंने 1893 में ही कर दिया था। न्यूजीलैंड के सर एडमंड हिलरी दुनिया के पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया। न्यूजीलैंड इतना एडवांस देश है कि अगर आपको यहाँ कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करना हो तो उसके सारे पेपर वर्क 24 घंटे के अंदर ही पूरे हो जाते हैं। न्यूजीलैंड में एक बीच है जिसका नाम है 90 माइल्स, बट आपको जान के हैरानी होगी कि ये सिर्फ 55 माइल्स ही लंबा है। न्यूजीलैंड में इंसानों के मुकाबले यहाँ भेड़ यानी शीप करीब 9 गुना ज्यादा रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के बाद न्यूजीलैंड पूरे दुनिया में दूसरे नंबर का ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा वूल का प्रोडक्शन करता है। न्यूजीलैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश और मायोरी के साथ साथ साइन लैंग्वेज भी यहाँ की एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। न्यूजीलैंड का कुल एरिया 268,021 स्क्वायर किलोमीटर है। न्यूजीलैंड बेसिकली दो मेन आइलैंड से बना हुआ है, एक है नॉर्थ आइलैंड और दूसरा है साउथ आइलैंड। नॉर्थ आइलैंड साउथ आइलैंड के मुकाबले बहुत ही छोटा है, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि इस देश की कुल आबादी का 76% हिस्सा नॉर्थ आइलैंड में ही रहता है। न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन है और सबसे बड़ा शहर ऑकलैंड है। ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन में न्यूजीलैंड को ऑस्ट्रेलिया का एक हिस्सा बताया गया है और उसमें लिखा गया है कि न्यूजीलैंड जब चाहे ऑस्ट्रेलिया को ज्वाइन कर सकता है। न्यूजीलैंड में दुनिया भर से लोग हायर स्टडीज के लिए आते हैं। न्यूजीलैंड को कारों का भी देश कहा जाता है। यहाँ की आबादी 50 लाख है, लेकिन इनमें से 34 लाख लोगों के पास कार है। न्यूजीलैंड में डेयरी प्रोडक्ट का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। यहाँ हर साल एक आदमी के लिए 100 किलो मक्खन और 65 किलो चीज का उत्पादन होता है। न्यूजीलैंड में करप्शन बिल्कुल ना के बराबर होता है। इसके ऊपर सिर्फ 4 कंट्री हैं जिनका नाम है डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड और नॉर्वे। दुनिया की सबसे छोटी डॉल्फिन जिसका नाम हेक्टर डॉल्फिन है, ये लंबाई में सिर्फ 1.5 मीटर होती है और ये न्यूजीलैंड के समुद्र किनारे पाई जाती हैं। न्यूजीलैंड में दुनिया का सबसे साफ दिखने वाला लेक है। इस लेक का नाम है ब्लू लेक। ये इतना साफ है कि आप यहाँ खड़े रह के 80 मीटर गहरे तक देख सकते हैं। न्यूजीलैंड में कीवी नाम का एक फ्रूट भी है, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि ये यहाँ का नहीं बल्कि चाइना का है। न्यूजीलैंड का बॉलविन स्ट्रीट बहुत ही अलग तरीके से बनाया गया है। यहाँ ऊपर से नीचे आते हुए आपको 38 डिग्री का ढाल मिल जाएगा। इस देश में सबसे पहले सूरज उगता है और इसी देश में सबसे पहले नए साल का स्वागत होता है। स्पोर्ट्स की बात करें तो यहाँ का नेशनल स्पोर्ट्स रग्बी है और क्रिकेट भी उतना ही पॉपुलर है। न्यूजीलैंड चारों तरफ से समुंदर से घिरा हुआ एक देश है। भले ही आप कहीं भी किसी भी कोने में चले जाएं, लेकिन ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पे समुद्र आपसे 128 किलोमीटर से दूर हो। न्यूजीलैंड के लोग बहुत ही फिट होते हैं। यहाँ की आबादी के 84% हिस्सा मॉर्निंग या इवनिंग वॉक के लिए जाती है। न्यूजीलैंड के लोगों को कीवी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे कीवी नाम का परिंदा पाया जाता है जो सिर्फ न्यूजीलैंड में ही पाया जाता है। ये दिखने में बहुत ही खूबसूरत और छोटे होते हैं, लेकिन ये कभी उड़ नहीं सकते। कीवी यहाँ का नेशनल बर्ड भी है। न्यूजीलैंड में इतने सारे जंगल होने के बावजूद भी यहाँ पे कोई भी सांप नहीं पाया जाता है। न्यूजीलैंड में एक ऐसा टाउन है जिसका नाम 85 कैरेक्टर्स लॉन्ग है। अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए। ऑकलैंड शहर का स्काई टावर साउथ वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ऊंचा फ्री स्टाइल संरचना इमारत है जिसकी ऊंचाई 328 मीटर है। न्यूजीलैंड एक ऐसा देश है पूरे दुनिया में जहाँ क्रिसमस के दिन, ईस्टर के दिन और गुड फ्राइडे के दिन कोई भी एडवर्टीजमेंट नहीं चलता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।